हेलो गाइस, मैं अनीता इंस्टेंट फूड एंड ब्लॉग में आपका स्वागत। देखिए मैं साग बनाऊंगी, मेथी और सोए का देखिए कितना हरा हरा है। और इस समय बनाना चाहिए, ठंड में यह मिलता है और यह आंखों में भी फायदा करता है, आंखों के लिए रोशनी को बढ़ाता है। हमें साग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और यह खून भी बढ़ाता है। मैं इसको धुल करके साफ करके इसको काट लूंगी अच्छी तरह। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके काट लिया है और इसको मैंने कई पानी से धोया जिससे बालू वगैरह ना रहे। देखिए एकदम से हरा हरा साग है। सोया मेथी खाना चाहिए, बहुत से लोग रोटी से खाते हैं, चावल दाल से भी आप खा सकते हैं। बहुत से लोग इसका पराठा भी बना करके खाते हैं। ठंडी में चावल के साथ साग को अच्छी तरह से लोग बहुत ही खुशी से खाते हैं। देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, हमारा तेल गर्म हो गया। मैंने उसमें लहसुन और मिर्ची का तड़का दे दिया है। देखिए हमारा तड़का हो गया है, मैं इसमें साग को डाल दी हूँ। देखिए धीरे धीरे करके मैं चला दे रही हूँ। देखिए मैं चला दे रही हूँ, धीरे धीरे चलाऊंगी नहीं तो यह कढ़ाई से बाहर हो जाएगा। इसको आराम से चलाइए क्योंकि कढ़ाई हमारी थोड़ी सी छोटी है। देखिए मैंने ढक दिया है, फिर मैं चला दे रही हूँ ढक के थोड़ी देर के बाद खोल करके। देखिए मैं नमक को ऐड कर दे रही हूँ इसमें, आप अपने हिसाब से नमक को डाल दीजिए जिस प्रकार आपका साग हो। देखिए फिर चला दिया अच्छी तरह। देखिए अब हमारा साग बन गया है, एकदम से रेडी है खाने के लिए। इसमें मैं खाने को परस दे रही हूँ। देखिए इधर मैंने साग को फिर परस दिया, इधर हमारी गोभी और आलू की सब्जी है, चावल है, मसालेदार सब्जी है, यह साग है और रोटी सलाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।